यूं तो टेलीविजन पर हर साल नए शोज आते और जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको स्टार प्लस के उन 5 शोज के नाम बताएंगे जिन पर लो टीआरपी की वजह से मंडला रही है ऑफ ईयर की तलवार। यानी कौन से हैं वो 5 शोज जो हुए हैं इस लिस्ट में शामिल। आइए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं उन 5 शोज के नाम। ऑफ ईयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में पहले शो का नाम है आंख मचोली, जिसको 22 जनवरी 2024 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें खुशी दुबे, नवनीत मलिक, विधान शर्मा, हितेश भारद्वाज और भक्ति राठौर जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शो अर्ली टाइम स्लॉट पर लॉन्च होने की वजह से टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा, इसी वजह से इस शो पर आ गई है ऑफ ईयर की तलवार। अगर फैंस अपने इस फेवरेट शो को ऑफ ईयर होने से बचाना चाहते हैं तो इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर इसकी टीआरपी को बढ़ाना होगा। ऑफ ईयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है पांड्या स्टोर, जिसको 25 जनवरी 2021 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया। इस शो में हमें अब तक 2 जनरेशन देखने को मिल चुकी है, जिसकी पहली जनरेशन में हमें शाइनी दोषी, कन्वर धिलन, किंशुक माजहां और कृतिका देसाई जैसे पॉपुलर एक्टर्स एंटरटेन करते हुए नजर आए। अब हमें इस शो की सेकंड जनरेशन देखने को मिल रही है, जिसमें प्रियांशी यादव और रोहित चांडेल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ये शो टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा, मुसलसल गिरती हुई टीआरपी की वजह से इस शो पर आ गई है ऑफ ईयर की तलवार। अगर फैंस अपने इस फेवरेट शो को ऑफ ईयर होने से बचाना चाहते हैं तो इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर इस शो की टीआरपी को बढ़ाना होगा, ताकि इस शो की टीआरपी अच्छी आए और इस शो पर से ऑफ ईयर होने का खतरा भी टल जाए। ऑफ ईयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है इमली, जिसको 16 नवंबर 2020 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अब तक 3 जनरेशन देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी पहली जनरेशन में हमें सुम्बुल तौकीर, कश्मीर महाजानी और फैमान खान जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। फिर इसके बाद हमें इसकी सेकंड जनरेशन में मेघा चक्रवर्ती, सीरत कपूर और करण वोहरा का ट्रायो देखने को मिला। अब हमें इसकी थर्ड जनरेशन देखने को मिल रही है, जिसमें हमें अदरीजा रॉय और साई केतन राव की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ये शो मुसलसल गिरती हुई टीआरपी की वजह से उन शोज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनको जल्द ऑफ एयर कर दिया जाएगा। ऑफ एयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है ये है चाहते, जिसको 19 दिसंबर 2019 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें अब तक 2 जनरेशन देखने को मिल चुकी हैं, जिसकी पहली जनरेशन में हमें सरगुन कौलूदरा और अबरार काजी की केमिस्ट्री देखने को मिली। इसके बाद अब हमें इसकी सेकंड जनरेशन देखने को मिल रही है, जिसमें हमें शगुन शर्मा और प्रविष्ट मिश्रा की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। ये शो लेट नाइट टाइम स्लॉट पर टेलीकास्ट होने की वजह से टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा, मुसलसल गिरती हुई टीआरपी की वजह से ये शो भी उन शोज की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनको जल्द ऑफ एयर कर दिया जाएगा। ऑफ एयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में पांचवें और आखिरी शो का नाम है तेरी मेरी डोरियां, जिसको 4 जनवरी 2023 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया, जिसमें हमें विजेंद्र कुमेरिया, हिमांशी परासार, तुषार डंबेला और रूपम शर्मा जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए। ये शो भी टीआरपी के मैदान में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहा, मुसलसल गिरती हुई टीआरपी की वजह से इस शो पर भी आ गई है ऑफ ईयर की तलवार। अगर फैंस अपने इस फेवरेट शो को ऑफ ईयर होने से बचाना चाहते हैं तो इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर इस शो की टीआरपी को बढ़ाना होगा, ताकि इस शो की टीआरपी अच्छी आए और इस शो पर से ऑफ एयर होने का खतरा भी टल जाए। ऑफ एयर होने वाले शोज की इस लिस्ट में कौन सा शो है आपका फेवरेट, अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।